नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने व्याख्या की, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आगे का कवित्व करते हैं। हमारा कवित्व इस प्रकार है, पहले इस कवित्व को हम पढ़ लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती। महाकवि भूषण शिवाजी के आश्रय में रहते हुए उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। शिवाजी परमवीर प्रतापी शासक थे, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और देश की रक्षा की। तो यहाँ कवि भूषण शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे शिवाजी, आप से भयभीत होकर शत्रुओं की स्त्रियां अपने आप को छिपाती हुई जंगलों में इधर उधर भटकती घूम रही है। यह शिवाजी आपके वीरता के नाक के आतंक से भयभीत होकर शत्रुओं की जो दुर्दशा होगी है वो आप देखिए, क्या कैसी उनकी दुर्दशा हो गई है शत्रुओं की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले यह छत्रपति शिवाजी कि आपके भय से भयभीत होकर शत्रु पक्ष की बहुत बुरी दुर्दशा हुई है। पहले जो शत्रुओं की स्त्रियां ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मंदिर महल ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में महलों में रहा करती थी, हे शिवाजी वही स्त्रियां अब उनकी आपसे भयभीत होने के कारण क्या दुर्दशा हो गई है। शिवाजी अत्यंत वीर है, पराक्रमी शासक है और उनको मुगलों को पूरी तरह से उन्होंने सामना किया, लोहा किया और उन्हें परास्त किया। तो वे स्त्रियां जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी शत्रुओं की, वे ही अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है कि वे शत्रुओं की स्त्रियां अर्थात मुगलों की स्त्रियां अब घोर मंदिर, यहाँ दो शब्द है मंदिर मंदिर, इन दोनों में यमक अलंकार है संपूर्णता, इसमें हम यमक अलंकार देखेंगे हर पंक्ति में। तो पहला मंदिर शब्द है महल और दूसरी पंक्ति का जो मंदिर शब्द है वो है गुफा, के पहाड़ों की पर्वतों की गुफाओं में छिप करके वो रहने लगी कि हे शिवाजी आपके त्रास से आपसे भयभीत हुई अब वो शत्रुओं की स्त्रियां पहाड़ों की गुफाओं में रहने लगी है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यही नहीं, जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले मीठे मिठाई भोजन क्या करती थी, कंद मूल के कलाकंद मावा मिश्री ऐसे मिष्टानों का भोजन करने वाली वे शत्रुओं की स्त्रियां, हे शिवाजी अब वो जंगलों में भटकती हुई उन्हें जड़ी बूटियां कंदमूल जड़ी बूटियां खानी पड़ती है। तो यहाँ पहला कंदमूल है वो मिष्टान से तात्पर्य है और दूसरा कंदमूल है जड़ी बूटियां कि शिवाजी पहले जो स्त्रियां अपने भोग विलास में जीवन यापन करते हुए मिष्टान का भोग किया करती थी, अब आपके भय से भयभीत हुई वो जंगलों में उन्हें जड़ी बूटियां खाकर रहना पड़ता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यही नहीं है शिवाजी, भूषण कवि कहते हैं कि जो शत्रुओं की स्त्रियां दिन में तीन बार भोजन किया करती थी, बेर समय
तीन बेर खाती कि तीन बार भोजन किया करती थी वे ही रमणिया मात्र अब जंगलों में भटकने के कारण उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है। मात्र कंटीले झाड़ियों के लगने वाले छोटे छोटे बेर के तीन छोटे बेर खाकर उन्हें गुजारा करके रहना पड़ता है। तो ये आपके प्रताप का ही प्रभाव है कि ये शत्रुओं की बड़ी दुर्दशा हुई है। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती। आगे कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये शिवाजी कि आपने शत्रुओं की बहुत बुरी दशा की है और वो शत्रुओं की स्त्रियां जो आभूषणों से पहने हुए रहती थी आभूषणों का वजन उन्हें लगता था आभूषणों के कारण उनके अंग शरीर शिथिल रहा करता था कि जो स्त्रियां आभूषणों के वजन को नहीं सहन कर पाती थी आभूषणों के बोझ से जिनका शरीर शिथिल हो जाया करता था। भूषण कवि कहते हैं वही रमणिया भूषण शिथिल अंग। यहाँ दूसरा भूषण पहला भूषण है आभूषण और दूसरा भूषण जो है भूषण शिथिल अंग। भूषण का मतलब है भूख कि भूख के कारण कि उन्हें भोजन नहीं मिलता है भूखे रहने के कारण उनके अंग शिथिल हो गए हैं कमजोर हो गए हैं। तो ये शिवाजी से भयभीत होने के कारण शत्रुओं की जो विपन्न अवस्था है जो दुर्दशा है उसका यहाँ कवि भूषण ने चित्रण किया है। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी आपके डर के मारे भयभीत हुई वो स्त्रियां कौन मुगलों की स्त्रियां विजन डुलाती विजन पंखा कि उनके दासियां जो है उनके पंखे से हवा किया करती थी दूसरों के द्वारा पंखे डुलाए जाते थे दूसरे लोग नौकर दास दास दासी इत्यादि उनके हवा करते थे। अब वे स्त्रियां हे शिवाजी आपसे भयभीत होकर उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उन्हें विजन डुलाती है कि निर्जन वन प्रांत में निर्जन जंगलों में वो डोलती फिरती है घूमती रहती है सुनसान जंगल में वो भटकना उन्हें पड़ रहा है कि या तो वो स्त्रियां जो दूसरे लोग उनके पंखे से हवा करते थे अब शिवाजी के आतंक के कारण वो शत्रु पक्ष की स्त्रियां अर्थात मुगलों की स्त्रियां जंगलों में निर्जन जगह पर वह भटकती फिर रही है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती तेरे नगन जड़ाती है। भूषण भनत भूषण महाकवि भूषण भनत कहते हैं यह शिवाजी के शिवाजी वीर प्रतापी शासक शिवाजी महाराज आपके त्रास से आपसे भयभीत हुई जो स्त्रियां शत्रुओं की मुगलों की औरतें महिलाएं जो हीरे मोती नग्न आभूषणों से जड़ी रहती थी कि आभूषण पहने रहती थी नग्न हीरे जवाहरात इत्यादि के अब उन स्त्रियों के शिवाजी के वीरता के कारण कि ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उन्हें पर्याप्त वस्त्र पहनने को नहीं मिलते हैं और नग्न शरीर को लिए हुए नगन जड़ाती है कि बिना पर्याप्त वस्त्रों के वो जाड़े में सर्दी में ठिठुरती रहती है कि उनके पास पर्याप्त वस्त्र पहनने को नहीं है। तो यहाँ शिवाजी के शौर्य का प्रताप का वर्णन किया है कि शिवाजी के प्रताप के कारण शत्रु पक्ष की कैसी दुर्दशा हो गई है उनकी दुर्दशा का उनकी विपन्न अवस्था का यहाँ महाकवि भूषण ने चित्रण किया है। संपूर्णतः इस कवित्व में वीर रस का चित्रण हुआ है और शत्रु पक्ष जो भयभीत है उनकी दुर्दशा हुई है वहां जो है भयानक रस का चित्रण भी है। अलंकारों में यहाँ संपूर्णतः यमक अलंकार है हर पंक्ति में मंदर मंदर कंद मूल तीन वेर शब्द में इसी प्रकार विजन विजन में और
भूषण, एक भूषण आभूषण, दूसरा भूषण है भूखे रहना, नग्न नग्न हीरे जवाहरात, दूसरा नग्न के नग्न अवस्था पर्याप्त वस्त्रों का नहीं होना। तो पूरे इस संपूर्ण इस कविता में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे ये कविता जो है गेयता के गुण से युक्त है कि गाये जाने योग्य है यह पद। भाषा जो है ब्रज भाषा है, लेकिन भाषा में संपूर्णतः चित्रात्मकता का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ महाकवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का, प्रताप का बहुत ही सुंदर बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। धन्यवाद।